हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। क्लास 12th के चैप्टर सेकंड को हम यहाँ पे कर रहे हैं कंटिन्यू। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इसका फर्स्ट टॉपिक को किया था, जो कि था बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, जिसके अंदर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट ऑफ डाइट, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक, जो कि है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट ऑफ डाइट। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि कौन से न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट ऑफ डाइट होते हैं, तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कई सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, हम कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं उसके बारे में। तो हमारे डाइट के अंदर जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं। कुछ न्यूट्रिटिव पार्ट होता है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, जो कि हमें कैलोरीज देगा, जबकि कुछ ऐसा पार्ट होता है जो कि हमें कोई कैलोरीज नहीं देगा लेकिन फिर भी वो हमारे हेल्थ के लिए या हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं उन कॉम्पोनेंट्स की जो कि हमें न्यूट्रिशन देंगे। ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। उसके अंदर सबसे पहला आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड आता है हमारे पास प्रोटीन, थर्ड है हमारे पास विटामिन्स, फोर्थ है हमारे पास फैट्स और लास्ट आता है हमारे पास मिनरल्स। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपने प्रोटीन के बारे में। तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर इसमें डिटेल में डिस्कशन किया था, आज हम उतना डीपली नहीं पढ़ेंगे, मोटी मोटी बात पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो ये बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से, और कई बार इसके अंदर सल्फर देखने को भी मिलता है। इसको नाइट्रोजीनियस फूड बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े साइज़ के अंदर होते हैं, जिसका ब्रेक डाउन करना ईजी नहीं होता, तो हमारी बॉडी इसको कन्वर्ट कर लेती है अमीनो एसिड्स के अंदर और फिर इससे बेनिफिट्स निकालती है, न्यूट्रिटिव पार्ट निकालती है। तो ये जो है हमारे बॉडी को काम करता है एज अ रिपेयर और बिल्डिंग मटीरियल की तरह, क्योंकि हमारे बॉडी को बिल्ड करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोला जाता है इसको। अगर अप्रोप्रिएट अमाउंट में लोगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बना रहेगा, ग्रोथ अच्छी तरीके से होगी। डिफिशियंसी के अंदर ये दोनों ही चीज़ें खराब हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में लोगे तो हार्ट डिजीजेस और लिवर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। इस प्रोटीन को पाने के हमारे पास दो सोर्सेज हैं, जो कि है एनिमल सोर्स एंड प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स वो सोर्स है जो कि हमें एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, यानी हमें एनिमल से मिलेगा, और प्लांट सोर्स वो है जो कि हमें प्लांट से मिलेगा, जिसको वेजिटेबल सोर्स भी बोला जाता है। तो एनिमल सोर्स से जो हमें प्रोटीन मिलता है उसके अंदर एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये चीज़ प्लांट बेस्ड प्रोटीन के अंदर नहीं होते। तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन हमेशा सुपीरियर रहेगा प्लांट बेस्ड से। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन के अंदर हमारा आता है मिल्क प्रोडक्ट्स, हमारा मीट, ठीक है, और प्लांट बेस्ड प्रोटीन के अंदर आएगा सोयाबीन्स एंड मस्टर्ड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगले कंपोनेंट पे, जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत नेसेसरी होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये एज अ फ्यूल सोर्स काम करता है हमारी पूरी बॉडी के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। अगर एक्सेस में हम खाते हैं तो ये एज अ फैट स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर कोई पर्सन कम खाएगा कार्ब्स तो उसकी स्किन के अंदर रिंकल्स आने लग जाएंगे, उसका फैट लेयर डिप्लिक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और इसके जो सोर्सेज है वो है पोटैटो, बनाना, मेज, राइस, ये सब। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले पे, जो कि है फैट्स। तो फैट जो है उसको बदनाम बहुत किया हुआ था, हमने लास्ट में भी देखा प्रीवियस वीडियो के अंदर, लेकिन फैट के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। फैट जो है वो बनता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से, मिक्सचर से। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं क्योंकि ये हमारा कई सारे बॉडीली फंक्शंस के अंदर हेल्प करेगा और कई सारे हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन में भी हेल्प करेगा। ये हमारी बॉडी को वार्म रखने में, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में वर्क करता है एज अ फ्यूल सोर्स और एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। ये फैट जो है इजीली डाइजेस्ट नहीं होता और जो एक्सेस फैट है वो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होता है जब तक हमारी बॉडी उसे खर्च ना कर दे। ये जो फैट है इसके भी दो सोर्सेस हैं, जो कि फर्स्ट है एनिमल सोर्स जो कि हमें एनिमल से मिलेगा और दूसरा है वेजिटेबल सोर्स जो कि हमें प्लांट से मिलता है। तो एनिमल सोर्स के अंदर आते हैं बटर, घी और
फिश ऑयल्स, मिल्क मीट, जबकि प्लांट सोर्स के अंदर आते हैं कोकोनट, सोयाबीन, फूड ग्रेन्स और मस्टर्ड ऑयल। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। ये कुछ सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत सारी नेसेसिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर इनकी कमी होगी तो हमें डिफिशियंसी डिजीजेस हो जाएंगे। ये दो टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं फैट के और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जुड़ के बनते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वो विटामिन ए, डी एंड ई हो सकते हैं। वाटर सोल्यूबल जो होते हैं वो सोल्यूबल होंगे वाटर में, यानी वाटर के अंदर डिजोल्व हो पाएंगे। ये नाइट्रोजन और सल्फर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। विटामिन बी एंड विटामिन सी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। आप मुझे बताओ विटामिन की कमी से कौन कौन से डिजीजेस होती है, किस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है, कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। ये हमारी पूरी बॉडी का 4% कैरी करता है और हमारे टीथ, बोन और मसल्स को हेल्दी रखने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ये हमारी कई सारी एसेंशियल एक्टिविटीज करवाना, जैसे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस, हार्मोन्स का बनाना और हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल और मेंटेन करना, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आयोडीन, सोडियम, सल्फर, पोटेशियम कुछ इसके एग्जांपल्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नॉन न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट पे, यानी वो चीजें डाइट का जो कि हमें कोई वैल्यू नहीं दे रहा, कोई कैलोरी नहीं दे रहा, कोई एनर्जी नहीं दे रहा। इसके अंदर सबसे पहला आता है हमारे पास फाइबर्स यानी रफेज। तो ये हमें कोई भी किसी भी टाइप की कैलोरी प्रोवाइड नहीं कराता, लेकिन ये फिर भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी गट हेल्थ और इंटेस्टिनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे इंटेस्टीन को मेंटेन करेगा, उसके डिसऑर्डर्स को दूर करेगा, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, हमारा हार्ट रिस्क को कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाएगा। इसके जो एग्जाम्पल्स है वो है फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। अगली बात करते हैं हम वाटर की। वाटर जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे लिए। अगेन वाटर कोई भी किसी भी टाइप का हमें न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं देता, फिर भी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर जो है वो ब्लड का 90% कैरी करता है हमारा ब्लड, जो 2:1 के रेशियो के अंदर होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स का। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशंस के अंदर काम करेगा, हमारा ट्रांसपोर्ट करना न्यूट्रिशन थ्रू आउट द बॉडी और हमारा ट्रांसपोर्ट करना वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से बाहर। इन दोनों ही चीज़ के अंदर वाटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेकेंड, ये हमारा मेंटेन करता है बॉडी का टेम्परेचर और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। अगला आता है हमारे पास कलर्ड कंपोनेंट के अंदर, जो कि बहुत अट्रैक्टिव दिखाने के अंदर काम करते हैं हमारे फूड को। एक कलरफुल फूड जो होगा वह मोस्टली अट्रैक्टिव दिखता है, लोग इसीलिए फूड कलर्स का यूज़ करते हैं। तो कैंडीज, जो कलरफुल कैंडीज आती है वो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लेवर्ड कॉम्पोनेंट। ये वो कॉम्पोनेंट है जो कि फूड के टेस्ट और स्मेल को एनहेंस करने का काम करेंगे, लेकिन ये एक्चुअली कहाँ से निकल के आ रहा है हम एग्जैक्टली कभी भी नहीं बता सकते। आगे आता है हमारे पास ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, यानी ऐसे कौन से तरीके हैं, क्या चीज़ें हैं, हमें कौन से मेथड्स को अपनाना चाहिए वेट कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बात करते हैं एक हेल्दी वेट की। एक हेल्दी वेट क्या होगा, एक ऐसा वेट जो कि हमारे हेल्थ रिलेटेड रिस्क को कम करे। अब ये जो वेट है हम निकाल सकते हैं BMI और WHR यानी वेस्ट हिप रेशो के थ्रू, लेकिन मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि BMI और वेस्ट हिप रेशो कभी भी आपको एक्यूरेट मेजर्स नहीं दे सकते या आपको सर्टेन वेट कैटेगरी नहीं बता सकते आपको इतना वेट होना चाहिए। क्यों ऐसा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है सबकी बॉडी अलग अलग तरीक़ों से बनी है। कई लोगों का मसल मास कम होता है जबकि बोन डेंसिटी और बाकी चीज़ों का वेट ज़्यादा होता है। उस केस के अंदर एक पतला दिखने वाला बंदा भी ओवरवेट हो सकता है BMI के कैटेगरीज के थ्रू। लेकिन हम जानते हैं आगे BMI के बारे में। जो BMI है वो इंडेक्सेशन है हाइट का बॉडी वेट के साथ। तो इसको निकालने का तरीका है बॉडी वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर। वेट जो होता है वो किलोग्राम्स में और हाइट मीटर्स के अंदर ली जाती है। इसके बाद हमारे एक नंबर निकलेगा और हम इस टेबल के थ्रू चेक करेंगे कि वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं। आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले पार्ट पे, जो कि है
मेथड्स टू मेंटेन अ हेल्दी वेट, हमें क्या तरीके अपनाने चाहिए एक हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहला मेथड है इसके अंदर कि भाई अपना सबसे पहले गोल सेट करो कि आपको कितना गेन और या कितना लूज करना है, और कभी भी स्केल वेट की तरफ मत भागो। इम्पोर्टेंस दो अपनी हेल्थ को कि आप हेल्दी स्टेट में रहने चाहिए, ना कि आपका वेट इतना होना चाहिए। ठीक है, एक मोटा पर्सन जिसके सब कुछ अच्छे तरीके से फंक्शन कर पा रहा है, सारी एक्टिविटीज कर पा रहा है, वो प्रॉपरली हेल्दी स्टेट में है, उसको वेट लूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैलोरीज को कट और कैलोरीज का इंटेक को बढ़ाया जा सकता है वेट कम और बढ़ाने के लिए। अब एक एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाओ ताकि जो हमारा थ्रू आउट द बॉडीली फंक्शन है वो प्रॉपरली चल सके। अवॉइड करो जंक और फैटी फूड को खाना, ओवर ईटिंग अवॉइड करो, मील को स्किप करना बंद करो। कई बार लोग फैट को या बॉडी को लूज करने के चक्कर में मील्स को स्किप कर देते हैं कि भूखा रहने से उनका वेट कम हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। ठीक है, हमें फोकस करना चाहिए कि हम कितनी कैलोरीज को इंटेक कर रहे हैं और कितना कैलोरीज खर्च कर रहे हैं। तो अगर आप ज़्यादा खा रहे हो तो आप ज़्यादा एक्सरसाइज करो ताकि उस कैलोरी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके। अगर यूज़ होगा तो आपका बॉडी अपने आप दोबारा एक अच्छे शेप में रहेगा। आगे बात करते हैं हमारा द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग के बारे में। तो ऐसी कौन सी गलत चीज़ें हैं जो कि हम डाइटिंग के अंदर जनरली करते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट इसके अंदर आता है कि एक्सट्रीमली रिड्यूस कर देना कैलोरीज को। कैलोरीज जो है, एनर्जी जो है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के फंक्शंस करवाने के लिए। अगर एकदम से रिड्यूस कर दोगे तो नौजिया और चक्कर आना, ऐसी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ सकता है। कोई भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिटिव कंपोनेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देना, या तो पूरी तरीके से कार्ब को रिस्ट्रिक्ट कर देना या पूरी तरीके से फैट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देना, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। जनरली बॉडी बिल्डर्स जो है और बाकी लोग भी कीटो डाइटिंग को बहुत सपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर कार्ब्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है, उनका इंटेक बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये कई सारे हेल्थ इश्यूज लेके आ सकता है आपकी बॉडी के लिए। तो एक हेल्दी स्टेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दो बजाय के डाइटिंग करके वेट लॉस करने की। सेकंड आता है इसके अंदर स्किप करना मील्स को। फिर आता है कैलोरी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना और कैलोरी को इंटेक करना बेवरेजेस से। लिक्विड जो फूड होते हैं या लिक्विड जो भी तरीका है हमारा सप्लीमेंट्स वगैरह लेना, वो हमेशा इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा अगर आप डाइटिंग करोगे तो। अंडर एस्टिमेट करना कैलोरीज को हमेशा। कुछ लोग जो होते हैं ना, वो अलग अलग चीज़ों को ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि ग्रीन टी पीना जिससे वेट लॉस हो जाएगा या कुछ और करना। फोकस उस पर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमारा कैलोरी इनटेक पे रहना चाहिए। कितनी कैलोरी हम कंज्यूम कर रहे हैं, अगर उसका अमाउंट कम या ज़्यादा होगा, या कितनी कैलोरीज को हम खर्च कर रहे हैं या उसका अमाउंट कम या ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बजाय कि आप चीज़ों पे फोकस करो। लेबल्ड फूड को खाना और प्रॉपर वर्कआउट्स का ना करना, ये कुछ पिटफॉल्स थे डाइटिंग के। अब हम बात करते हैं फूड इनटॉलरेंस के बारे में। फूड इनटॉलरेंस जो है वो एक ऐसा इशू है जहाँ पे हमारा बॉडी जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाता एक सर्टेन फूड को। अब ये दिक्कत आती है दो रीजंस की वजह से, जिसमें फर्स्ट आता है कि हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव एंजाइम में किसी न किसी ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम में लैग करना, या किसी भी सर्टेन केमिकल्स के लेके ज़्यादा हमारा बॉडी जो है कई बार सेंसिटिव हो जाता है। तो इन दोनों ही रीज़न से हमारा फूड इनटॉलरेंस का स्टेट आ जाता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि फूड इनटॉलरेंस और फूड एलर्जी आर टू डिफरेंट थिंग्स, तो कभी भी उसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, फूड अगर आपको इनटॉलरेंस होगा तो आपको कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर आप वो चीज़ खा लेते हो, आपको स्टमक एक हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग, गैस क्रैम्प, हर्ट वन या इरिटेबिलिटी हो सकती है। अब इसको ठीक करने का कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, तो जस्ट एक कुछ प्रिकॉशंस है जो कि आप कर सकते हो। या तो पूरी तरीके से उन फूड को खाना बंद कर दो, या दूसरा तरीका आप अपना सकते हो कि उनका अमाउंट लिमिट कर दो या कम कम क्वांटिटीज में आपको खाना है। एक और तरीका क्या है कि आप एक सर्टेन सप्लीमेंट्स ले सकते हो उस सर्टेन चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए। लैक्टोज इंटॉलरेंस जो मिल्क के एलर्जी, मतलब मिल्क जिनसे पचता नहीं है, तो वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। सो ये है हमारा अपकमिंग वीडियो, और आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।